जिन लोगों को कुछ कलर्स नहीं दिखाई देते हैं या फिर कलर के शेड्स नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों को कलर डेफिशिएंट कहा जाता है या फिर उन्हें कलर ब्लाइंड भी कहा जाता है। उन लोगों के लिए समस्या तब सबसे बड़ी खड़ी हो जाती है जब वो किसी ऐसे जॉब में अप्लाई करते हैं जहां पर आँखों की अच्छे से जाँच की जाती है और विज़न के साथ साथ कलर विज़न की भी जाँच की जाती है। कलर विज़न में ये देखा जाता है कि क्या आप सारे कलर देख पा रहे हैं या कलर के शेड्स देख पा रहे हैं। अगर आप देख पाते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप नहीं देख पाते हैं तो फिर वो जॉब आपको नहीं मिलता। यानी जिस जॉब के लिए आपने शुरू से तैयारी की थी, अपनी पढ़ाई की थी, एकेडमिक बैकग्राउंड आपने उसी तरीके से सोच के रखा था, तो वो सारा कुछ करने के बाद फाइनली जब आपकी जॉब मिलने, जब जॉब के लिए आप तैयारी करते हैं, जिस जॉब में आप अप्लाई करते हैं, तो वो जॉब सिर्फ इसलिए आपको नहीं मिलता कि आपको कलर डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है या फिर जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं वो आपको प्रॉब्लम है, यानी कुछ कलर आपको नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ है तो उसे फिर क्या करना चाहिए, कहाँ कंप्लेंट करना चाहिए, कैसे वो अपने अधिकारों को लेगा, ये बात इसलिए भी खड़ी हो जाती है क्योंकि जैसे दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए एक अलग से उनके लिए नियम है बना हुआ या उनके लिए अलग से गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन बनाई है। उसी तरीके से जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए भी आपको पता होगा कि उनके लिए भी इस गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई हुई है कि अगर वो अप्लाई करते हैं किसी जॉब में तो वो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं उसमें उनको वहां पर स्पेस दिया जाता है और वो उस कैटेगरी में जॉब कर सकते हैं। तो इस अधिकार को, ये जो अधिकार देखा जाए कि कलर ब्लाइंड पीपल्स के लिए क्या इस तरीके के कोई अधिकार है, तो नहीं है। लेकिन अगर हम कलर ब्लाइंड पीपल को देखें तो वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, आँखों से भी उसका विज़न भी बिल्कुल 6x6 है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसको कि उसको कलर्स के शेड नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर उसको कलर के शेड नहीं दिखाई देते तो क्या सिर्फ इस आधार पर उसकी सारी क्वालिफिकेशन, उसकी सारी योग्यता को नकारा तो नहीं जा सकता? लेकिन इस सब के बावजूद गवर्नमेंट में इस तरीके का कोई भी रूल या कोई रिलैक्सेशन कलर ब्लाइंड पीपल्स के लिए नहीं है जिसको आप दिखाकर अपने वो जॉब जो आपका ड्रीम जॉब है उसमें आप आगे बढ़ सकें, या फिर अगर वो जॉब आप नहीं कर सकते हैं उसमें अगर गवर्नमेंट का कोई तर्क है तो फिर उसको मानते हुए कोई दूसरा उसमें साइड में जो आपको रिलैक्सेशन देकर किसी दूसरी जगह आपको फिट किया जाए आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से या फिर जो आपने आपका शिक्षा में जो आपका स्तर है उसके हिसाब से। तो इस अधिकार को आप कैसे पाएंगे, आज हम इस बारे में कुछ चीजों पर इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके अधिकारों की। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो जाहिर सी बात है अगर आपने कहीं पर भी अप्लाई किया होगा तो उसमें आपको रिजेक्शन मिला होगा सिर्फ इस वजह से कि आपको कुछ कलर्स नहीं दिखाई देते हैं, बाकी आपके अंदर कोई भी मेडिकल ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको अनफिट किया जा सके। तो ये एक ऐसी फाइट फिर आपके लिए हो जाती है जिसे आपको लड़ना है और तभी आपको आपका अधिकार मिल पाएगा। ये लंबी फाइट है और इसके लिए आपको आगे आना होगा, तभी सरकार इसमें कुछ सोचेगी और आपके लिए कुछ स्पेस ऐसा बनाएगी जहां पर आप स्टैंड कर सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और भी बता दूं कि इस वैसे तो देश में हमारे बहुत सालों से कलर ब्लाइंड पहले भी रहे होंगे और उन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको भी रिजेक्शन मिला होगा और उन्होंने केस भी फाइल किए होंगे और बहुत सारे केस हैं भी, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत में नहीं रहा जिसने कि ये सोचा हो कि नहीं, इसके लिए मुझे फाइट करनी है और मुझे इस तरीके से फाइट करनी है कि वो मेरे लिए ही फ़ायदा ना हो बल्कि पूरे देश के उन युवाओं के लिए फ़ायदा हो जो कलर ब्लाइंड हैं। ऐसा हमारे देश में एक ही लड़का है इस समय जिसका नाम है नीरव मखवाना, जो गुजरात से है और जो पिछले काफ़ी सालों से इस फील्ड में अब काम कर रहा है कि वो अपने अधिकारों को पा सके। जब उसने अपना ड्रीम जॉब पाने के लिए प्रयास किया था तो उसको भी रिजेक्शन मिला था, लेकिन फिर उसने अपनी हार वहाँ नहीं मानी और उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आज भी वो फाइट कर रहा है और मैं चाहूँगा कि आप सबको उससे जुड़ना चाहिए और उसकी ताकत को बढ़ाना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप एक ग्रुप उसने बनाया है उसका लिंक भी दूंगा, आपको उससे जुड़ना चाहिए जिससे कि जो अपडेट जानकारी है वो आपको वहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ आप जब एक साथ एक मंच पर होंगे तो ताकत ज़्यादा मजबूत होगी और आप सब मिलकर सरकार के सामने अपनी बात को रख सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कंप्लेंट करनी कहाँ कहाँ है और किस तरीके से करनी है। आप ध्यान रखिए कि हर चीज़ का एक तरीका होता है और तरीका परफेक्ट होना चाहिए। उस तरीके से आपको अपना एक लेटर तैयार करना है। लेटर में आप अपनी समस्या लिखेंगे, आपने कहाँ अप्लाई किया था, आप क्यों रिजेक्ट हुए, इसको आपको हाईलाइट करना है। और फिर वो जब लेटर तैयार हो जाएगा तो उसमें जो नीचे का पोर्शन होता है लास्ट में, उसमें आप लिखेंगे कॉपी टू, और उसमें उन सभी डिपार्टमेंट्स के नाम लिखेंगे जहाँ आप अलग अलग ये लेटर भेजेंगे। ध्यान रखना है कि आपको ये लेटर रजिस्टर्ड डाक से भेजना है, जिससे कि ये वहाँ पर भी रजिस्टर्ड हो और आपको पता हो कि हाँ ये कॉपी वहाँ रिसीव हो गई है, उसकी रिसिप्ट आपको बाद में मिलेगी। और उससे ये होगा कि वहाँ से एक रिटर्न ही लेटर जो होगा, वो आपका जो जवाब होगा वो भी आपको मिलेगा। तो हर डिपार्टमेंट में आपको जो है वो आपको एक लेटर भेजना है और रजिस्टर्ड डाक से उसको भेजना है। साथ ही साथ जब आप नीचे के पोर्शन में उसमें सभी अलग अलग जहाँ जहाँ आप उस लेटर को भेज रहे हैं, जिन जिन अथॉरिटीज़ को, उनको जब आप नीचे सब मेंशन करेंगे तो उससे एक ये भी चीज़ पता चलेगी सारे डिपार्टमेंट्स को कि ये लेटर इतनी जगह गया है। तो हर डिपार्टमेंट की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी भी हो जाती है कि वो उसको अच्छे से उस पर एक्शन ले और जल्दी से उसकी सुनवाई हो। तो इस तरीके से अब ये जान लेते हैं कि ये लेटर आप कहाँ कहाँ भेजेंगे, जिनके आप नाम नीचे भी मेंशन करेंगे। तो आप ऊपर जहाँ हम टू लिखते हैं उसमें आप अलग अलग लेटर में अलग अलग लोगों के एड्रेसेस और उनको मेंशन करेंगे, एड्रेस मेंशन करेंगे और वहाँ उन लेटर को भेजेंगे। तो आइए जानते हैं, उसमें जो आप मेंशन करेंगे उसमें रहेगा चीफ मिनिस्टर ऑफिस, और इसमें आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ साथ इस लेटर को ही आप दूसरी जगह भेजेंगे जो होगा उस स्टेट का गवर्नर, और उसमें आप सीधा सीधा स्टेट के गवर्नर ऑफिस को उसको मेंशन करेंगे। और स्टेट के ही जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होता है उसको भी आप ये लेटर भेजेंगे। इसके अलावा ये सेम लेटर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी भेजेंगे, या फिर आप इसको सीधे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रेसिडेंट को, हमारे जो देश के हैं, उनको भी इस लेटर को भेजेंगे। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को भी ये लेटर आप भेजेंगे। तो इन सारे डिपार्टमेंट में आपको ये लेटर भेजना है और रिटर्न लेटर भेजना है। और इन सारे डिपार्टमेंट के जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये सारे नाम आपके जो नीचे कॉपी टू होता है उसमें भी आप मेंशन करेंगे, जिससे हर डिपार्टमेंट को ये पता रहे कि कहाँ कहाँ आपने ये लेटर भेजा है। वैसे तो इन सारे डिपार्टमेंट में आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कंप्लेंट का ये रहता है कि कुछ चीज़ें फिर आप डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो रिटन कंप्लेंट होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और उनका उनमें वेटेज ज़्यादा होता है। तो आपको जहाँ पर भी लेटर भेजने हैं वो रिटन कंप्लेंट के तौर पर भेजने हैं। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपको मैं समझता हूँ कि 100% आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तब भी फिर एक और ऑप्शन है आपके पास जहाँ पर आप रिटर्न कंप्लेंट करेंगे, और वो है NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आप यहाँ पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं और यहाँ से आपको फिर हेल्प मिलेगी। कोर्ट में केस करने से पहले ये सारे काम हो जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जो केस फाइल कर रहे हैं उसमें कम से कम जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें जो आपने कंप्लेंट की उनके क्या रिप्लाई आए हैं वो आपको आपके पास हो, जिससे कि आपके केस में थोड़ा सा वजन रहे। इस संबंध में जो हमारी ऑनलाइन साइट्स होती है जिनमें लोग केस फाइल अगर करते हैं तो उसका भी वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है कि किसने किस फील्ड में केस फाइल किया था और उसका वर्डिक्ट क्या रहा। वर्डिक्ट मीन्स होता है कि कोर्ट का क्या जजमेंट रहा, कोर्ट ने क्या फैसला उसमें सुनाया। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप उसे कैसे देख सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि हमें कोर्ट में कहाँ केस फाइल करना चाहिए, किस जगह हम कोर्ट में केस फाइल करें जिससे कि हमें उसका जजमेंट जल्दी मिले। तो उसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप उस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो शायद आपका जजमेंट आपको जल्दी मिलेगा और शायद जो आपके साथ अभी तक आपको जो आपके अधिकार नहीं मिले हैं शायद वो मिल पाए, और आपकी वजह से उन सबको भी वो अधिकार मिल पाएंगे जो अपनी कलर ब्लाइंडनेस की वजह से अपना ड्रीम जॉब नहीं पा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।